Welcome friends on MSRG YouTube channel, and today I am going to discuss about three-tier architecture in database. So let's start. Okay friends, तो previous videos के अंदर normally हमने बात करी थी one tier and two tier architecture की, तो आज के इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें normally जरूरत क्या पड़ेगी, हम two tier architecture से हम switch कर रहे हैं three tier आर्किटेक्चर के अंदर. ओके, तो सिंपली अगर आपने वन टीयर एंड टू टीयर आर्किटेक्चर के वीडियोज़ को अगर मिस किया है, देन आई बटन के अंदर यहाँ पे आपको लिंक उनका मिल जाएगा, थ्रू दैट आप वीडियोज़ को देख सकते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं थ्री टीयर आर्किटेक्चर की. दो टीयर्स का हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्मली यहाँ पे टीयर्स का मतलब होता है लेयर्स. ओके, तो जो आपका थ्री टीयर आर्किटेक्चर है, तो उसमें जो आपका क्लाइंट होता है वो आपके जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करता है इन थ्री लेयर्स के अकॉर्डिंगली. और वो थ्री लेयर्स क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है, ओके, तो ये वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा. ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मली जो आपका थ्री टीयर आर्किटेक्चर होता है वो वाइडली बेस्ड वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चर है एट द प्रेजेंट टाइम. नॉर्मली आप जितनी भी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन यूज़ करते हो, देन कुछ भी वहां से आप नॉर्मली एक्सेस करते हो, तो वहां पे आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हो थ्री टीयर आर्किटेक्चर. ओके, तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में नॉर्मली होता क्या है, आप जो भी डेटा एक्सेस करते हो थ्रू थ्री टीयर्स के अकॉर्डिंगली, या हम बोल सकते हैं जो आपके लेवल्स होते हैं उनको फॉलो करके ही आप सिंपली अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने डेटाबेस से एक्सेस करते हो. ओके, तो यहाँ पे हम थ्री टीयर्स, आपकी तीन टीयर्स जो या जो लेयर्स होती है वो होती है आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन टीयर, सेकेंड होती है आपकी एप्लीकेशन टीयर, एंड थर्ड वन होती है डेटाबेस टीयर. अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन टीयर की. तो जो हम व्यू लेवल जहां हमने पढ़ा है, ओके, स्टार्टिंग के अंदर जब हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, देन हमने थ्री लेवल इसके हमने देखे थे. आपका नॉर्मल जो फिजिकल लेवल होता है वो डेटाबेस होता है, कंसेप्चुअल जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन टीयर होती है, ओके, एंड व्यू लेवल जहाँ से नॉर्मली आपके क्लाइंट्स है या यूजर है वो सिंपली इंटरेक्ट करते हैं विद योर डेटाबेस. ओके, तो जो प्रेजेंटेशन टीयर्स टीयर या हम जो लेयर इसको कह सकते हैं, तो यहाँ से नॉर्मली जितने भी आपके क्लाइंट्स होते हैं वो किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन के थ्रू, ओके, आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं. तो ये है आपकी प्रेजेंटेशन टीयर, जहाँ से नॉर्मली एक क्लाइंट कुछ भी प्रोसेस करता है डेटाबेस से, कुछ भी डेटा को नॉर्मली एक्सेस करने के लिए, देन जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है. अब देखो थ्री टीयर के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो यूजर होता है वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता है. टू टीयर में होता क्या है, नॉर्मली आपका डेटाबेस एंड जो आपका क्लाइंट है वो नॉर्मली डायरेक्ट जो क्लाइंट होता है डायरेक्ट आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है. ओके, तो आपका जो थ्री टीयर आर्किटेक्चर होता है उसमें आपका जो क्लाइंट होता है या जो आपका यूजर होता है वो डायरेक्ट आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है. उसके लिए यहाँ पे होती है आपकी एप्लीकेशन टीयर, या जिसको हम मिडल लेयर भी बोल सकते हैं, लॉजिकल लेयर, लॉजिक लेयर भी कह सकते हैं, या बिजनेस लेयर भी कह सकते हैं. ओके, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम इसको सिनोनिम्स दे सकते हैं, इसको डिफरेंट नेम. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन टीयर की. तो अभी जब आपका क्लाइंट डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करके विद द हेल्प एप्लीकेशन टीयर के थ्रू जब डेटाबेस से कुछ एक्सेस करता है, तो आपकी एप्लीकेशन टीयर या बिजनेस लॉजिक नॉर्मली करता क्या है, आपकी जो भी यहाँ से क्वेरीज आ रही है उनको वन बाय वन अकॉर्डिंगली देयर शेड्यूल, अकॉर्डिंगली देयर टाइम लिमिट्स, ओके, आपके डेटाबेस के पास सेंड करता है. जबकि टू टीयर में नॉर्मली होता क्या था, डायरेक्ट आपका जो डेटा था वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होता था. वहाँ पे आपका डेटाबेस ही क्यूरीज को रन करता था, यही नॉर्मली उनको रेस्पॉन्ड करता था. तो वहाँ पे नॉर्मली जो मल्टीपल जब यूजर एक साथ वहाँ पे रन करते थे किसी भी क्यूरीज को, देन वहाँ पे वाटर लाइक सिचुएशन या स्टेट नॉर्मली अकर होती थी. ओके, तो यहाँ पे वो सिचुएशन ना हो इसके लिए आपकी एप्लीकेशन लेयर नॉर्मली करती क्या है, जितनी भी क्यूरीज यहाँ पे नॉर्मली क्लाइंट से आती है उनको आपका जो एप्लीकेशन टीयर होती है वो वन बाय वन या इन बल्क या फिर इन अकॉर्डिंग देयर डेटा
प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग ये उनको प्रोसेस करता है। ओके 24x7 ये नॉर्मली जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस की क्यूरीज आ रही है उनको आपके डेटाबेस को सेंड करता है, एंड डेटाबेस उन क्यूरीज को अकॉर्डिंग देयर फॉर्मेट या अकॉर्डिंग देयर फाइल फॉर्मेट उनको आपके बिजनेस लेयर या एप्लीकेशन टीयर को सेंड करता है। देन आपका एप्लीकेशन टीयर उनको वन बाय वन आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सेंड करता है। तो यहाँ पे जो थ्री टीयर आर्किटेक्चर है इसका मोस्टली जो एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका यूजर है चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो किसी भी टाइम पे हो कहीं पे भी हो नॉर्मली आपका डेटा वो सिंपली किसी भी इंटरफेस के थ्रू वो अपना डेटा डेटाबेस से एक्सेस कर सकता है। तो इसका थ्री टीयर आर्किटेक्चर का जो मेन एडवांटेज होता है वो नॉर्मली होता क्या है कि आपके जितने भी यूजर यहाँ पे हो चाहे वो ह्यूज अमाउंट के अंदर हो वहाँ पे डायरेक्टली आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका जो डेटाबेस है वो फ्री फील करता है या इस पे नॉर्मली लोड इतना नहीं आता है कि यहाँ पे वाटर लेक स्टेट नॉर्मली जो कंडीशन होती है वो सिचुएशन नहीं आती है नॉर्मली। तो जितनी भी क्यूरीज होती है वो रन किसके थ्रू होती है आपके एप्लीकेशन टीयर। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं रियल टाइम, जैसे भी आप किसी भी नॉर्मली सोशल साइट या वेबसाइट को रन करते हो देन आपके पास एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है, लाइक आप FB यूज करते हो देन FB के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू उस एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू आप एक डेटाबेस से अपने डेटा को 24x7 किसी भी लोकेशन से सिंपली एक्सेस कर पाते हो। ओके तो वहाँ पे नॉर्मली आपका जो डेटा है वो इजीली आपको एक्सेस हो जाता है विद द स्पीड, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। तो अब मैं बताऊंगा कि टू टीयर से हमें थ्री टीयर आर्किटेक्चर के अंदर स्विच क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब टू टीयर की बात करते हैं तो नॉर्मली वहाँ पे सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी और जो आपकी स्केल नॉर्मली बात करते हैं कि मल्टीपल यूजर एक्सेस की जब हम बात करते हैं डेटा एक्सेस की, देन जो आपका टू टीयर आर्किटेक्चर है वहाँ पे बॉटलनेक स्टेट नॉर्मली अकर होती है सिचुएशन, एंड थ्री टीयर आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है, 24x7 आप किसी भी लोकेशन से अपने डेटा को सिंपली एक्सेस कर पाते हो। यहाँ पे आपका डेटा है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, जो भी आपका व्यू लेवल होता है या आपका जो क्लाइंट होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है विद द डेटाबेस। इसके कारण होता क्या है कि नॉर्मली जो आपका डेटा है वो सिक्योर होता है। यहाँ पे नॉर्मली मल्टीपल एक्सेस आप इजीली कर पाते हो किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे आजकल जो भी आर्किटेक्चर फॉर ए डेटाबेस नॉर्मली हम यूज करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो वो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में के थ्रू ही आपके डेटा को एक्सेस या मॉडिफाई या स्टोर अपने डेटाबेस के अंदर सिंपली करता है। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर के अंदर प्रेजेंटेशन टीयर, एप्लीकेशन टीयर एंड डेटाबेस टीयर नॉर्मली आपको देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप सिंपली अपने डेटा को एक्सेस करते हो। ओके तो ये था आपका थ्री टीयर आर्किटेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।